मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है नमस्कार दर्शकों मैं अर्पिता स्नेह आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दीदी बिहार के इस खास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम उड़ान में अर्थव्यवस्था की गति को रफ्तार देती सड़कें देश के विकास के एजेंडे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सड़क ही वह माध्यम है जो बच्चों को विद्यालय से बीमारों को अस्पताल से श्रमिकों को नौकरी से जोड़ती है इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चिंतन करें उन पर विचार करें और लोगों को अवेयरनेस फैलाएं, जागरूक कर, करें इसी से मिलते जुलते विषय पर आज हम परिचर्चा करेंगे बताती चलूं कि आज हमारे स्टूडियो में बेहद ही खास अतिथि मौजूद हैं तो आइए बिना देर किए हम आपकी मुलाकात कराते हैं अधिवक्ता अभिनव नारायण जी से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता जी और साथ ही मैं दूरदर्शन का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। जी बिल्कुल देखिए वाहन हो गए ऑटो में मोबाइल्स हो गए व्हीकल्स हो गए इन सारी चीजों से हम अवेयर तो हैं पर यह जो सड़क दुर्घटना है यह किस तरह से इनसे रिलेटेड है और क्या है यह पूरा इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखिए सड़क दुर्घटना या यूं कहे तो वाहन दुर्घटना जो आजकल हम लोग भी देखते हैं सड़कों पर यूं चलते हुए राहगीरों पर देखते हैं नज़र पड़ती है तो कहीं ना कहीं वो घटना घटित हुई रहती है तो यह एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है और मैं आज इस पर आपको संक्षेप में पहले ये बता दूं कि सड़क और वाहन दुर्घटना होता क्या है कोई भी गाड़ी जब आप सड़क पर चल रहे हैं उनसे किसी की टक्कर हो जाती है या तो कोई पैदल चल रहा इंसान या गाड़ी पे आ रहा इंसान या हम खुद गाड़ी में बैठकर किसी दूसरी गाड़ी से वो गाड़ी आपस में टकरा जाती है तो इन सब सारे पहलुओं को जब हम देखेंगे तो ये सारी चीज़ें सड़क दुर्घटना के अंतर्गत आती है ख़ास करके भारत जैसे देश में जहाँ पर आबादी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है और सड़क दुर्घटना दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है लोगों लोगों में यूँ कहें तो जागरूकता का भी अभाव देखा जा सकता है तो इसकी कमी भी देखी जा सकती है लोग जो हुए गति से अधिक गाड़ियों को ड्राइव करना ये सारी चीज़ें आप जब देखेंगे तो कमोवेस जो एक उसका कारण हम उस कारण के पहलुओं में ढूंढने का प्रयास करेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं जहां वो चीज़ें उपलब्ध आपको मिल जाएंगी लेकिन इन सब चीज़ों के परे जब खास करके मैं कुछ आंकड़ा आपको प्रस्तुत करना चाहूँगा कि भारत में प्रतिदिन अगर देखा जाए तो करीब चार से चार मौतें होती हैं जो कि एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है ख़ास करके हम युवाओं के लिए और उसमें से सबसे अधिक जब देखेंगे डेथ किसकी होती है फैटल चीज़ें कहाँ होती है तो युवाओं में होती है तो युवाओं में सचेत होने की और भी ज़्यादा आवश्यकता है तो इन सब चीज़ों पर हम लोग आज विस्तृत से चर्चा करेंगे जी आपने आंकड़ा दिया तो हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि भारत में सड़क सुरक्षा से रिलेटेड कौन से अधिनियम है कौन से एक्ट है आ, जब हम एक्ट और कानून की बात करते हैं तो सड़क दुर्घटना या सड़क सुरक्षा की आपने बात की तो मोटर व्हीकल एक्ट जो मोटर वाहन अधिनियम है उससे संबंधित कानून 1988 में पास किया गया था और वही अभी तक चला आ रहा है बीच बीच में संशोधन किए गए हैं अभी लेटेस्ट उन्नीस दो में भी संशोधन किए गए मोटर व्हीकल एक्ट में जहाँ सारी चीज़ों के प्रावधान आपके सुरक्षा से संबंधित प्रावधान आपके अंतर्गत अब दो मैं बाइक पे जा रहा हूँ तो बाइक पर मुझे कौन सी ऐसी सुरक्षा है जो अपना अपनाई जानी चाहिए ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 का वो अभी हमारे भारत में फॉलो हो रहा है और उस पर ही सारी चीज़ें आधार आधारभूत संरचना में आगे प्रचलित हैं तो जब हम मोटर व्हीकल एक्ट पर संक्षिप्त में नज़र डालेंगे तो सड़क दुर्घटना में जो पीड़ित हैं जब मान के चलिए कि दो चीज़ें होती है या तो मैं घायल हो जाऊँगा या मौतें हो जाती हैं सड़क दुर्घटना में तो इन दोनों चीज़ों से क्या होता है एक परिवार जो जिस पर वो आश्रित होता है जिसकी मृत्यु हो जाती है जो इंजरी हो जाती है तो उस पर पूरा परिवार डिपेंडेंट होता है या कहीं तो आश्रित होता है तो पूरा परिवार एक तरीके से बिखर जाता है तो उससे संबंधित भारत में भी ऐसे प्रावधान दिए गए हैं कि अगर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं ऐसी मौतें हो जाती हैं तो फिर क्या किया जाए तो हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं जहां पर पीड़ितों को मुआवजों का भी प्रा मुआवजे का भी प्रावधान है तो जो अच्छा अभिनव जी मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगी कि जो सड़क और वाहन दुर्घटना जब होती है तो जो पीड़ित व्यक्ति होता है तो उसके क्या क्या अधिकार हैं देखिए पीड़ित व्यक्ति के तो अधिकार बहुत ज़्यादा हैं और जब हम नज़र डालेंगे बिंदुवार उस पर चर्चा करेंगे तो बहुत ऐसे अधिकार हैं जो आमजन को नहीं पता है जैसे जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पीड़ित को मुआवजा मिलेगा और मुआवजा कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा ये सारे प्रावधान मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए हैं उसके साथ ही एक अलग से हमारे कोर्ट हमारे देश में जैसे सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट है निचली अदालत है और स्पीडी ट्रायल के लिए अब क्या होता है कि पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा मिले उसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल okay. तो इस तरीके के जो भी केसेस हैं अब मृत्यु से संबंधित इंजरी से संबंधित घायल कहाँ जाएंगे उनको उपचार कहाँ मिलेगा उनको मुआवजा कैसे मिलेगा तो अलग से वो ट्रिब्यूनल का गठन करेंगे गठन ऑलरेडी है आप भारत में देख लीजिए कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ एम कोर्ट नहीं है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल तो आप सीधे वहाँ पर अपना पिटिशन दायर कर सकते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें हैं अब मुआवजों मुआवजा कैसे मिलेगा उसके लिए भी बहुत सारे प्रावधान बनाए गए हैं हमारे कानून में तो वे सारी चीज़ें हैं तो एक एक व्यक्ति जो घायल है या जो जिसके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है रोड दुर्घटना से संबंधित तो वो किसी वकील के सहारे जा के क्लेम पटिशन फाइल कर सकता है और वो जो है छः महीने के अंदर आज अगर किसी की किसी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है या कोई घायल हो जाता है तो आज से लेकर के छः महीने के अंदर वो पटिशन दायर कर सकता है एम कोर्ट में अब ट्रिब्यूनल क्या करती है उस पर विचार करती है सारी चीज़ें देखती है फिर उसके बाद उनको कंपनसेशन दिया जाता है तो अब इसमें टेक्निकालिटी समझने वाली बात यह भी है कि क्लेम देता कौन है क्योंकि अब उसकी तो मृत्यु हो गई है तो अब सबसे पहले ये देखा जाता है दुर्घटना में कि लापरवाही जो एक सबसे बड़ा कारण है कि लापरवाही किसकी है अगर हमारी गाड़ी से दुर्घटना हुई है और हमारी गाड़ी वाले ने किसी दूसरे गाड़ी में टक्कर मारी या पैदल चलने वाले राहगीर को टक्कर मारी तो अब हमारी गाड़ी की गलती हमारे ड्राइवर की गलती है और लापरवाही हम पे साबित हो रही है तो हमारी गाड़ी की जिम्मेदारी होगी गाड़ी ओनर की जिम्मेदारी होगी या अगर उस गाड़ी का इंश्योरेंस है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो कि सरकार ने भी कंपलसरी कर दिया है उसको तो उस सिलसिले में अगर हम जाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी उस मुआवजे को प्रदान करती है जो भी पीड़ित परिवार है और जो पीड़ित व्यक्ति है अगर वो घायल है तो अच्छा हम लोग हिट एंड रन का इतना केसेस देखते हैं कई तरह की मूवीज भी इस पर बनी है बिल्कुंग. तो एज अ लॉयर आप हमारे दर्शकों को यह बताएं कि बहुत बेसिक शब्दों में कि अगर कभी कोई ऐसी किसी से गलती हो जाती है तो इंसानियत के नाते या जो फर्स्ट जो हमारी ड्यूटी होनी चाहिए चलिए गलती तो हो गई तो उसके बाद क्या करना चाहिए जो फर्स्ट जो ड्यूटी होनी चाहिए देखिए पहले के समय में ऐसा माना जाता था कि लोगों से दुर्घटना हो जाती थी और दुर्घटना तो हमेशा पता ही है कि कोई जोर जबरदस्ती जानबूझ कर नहीं करता वो लापरवाही है और ना जाने अनजाने में वो गलतियां हो जाती है तो लोगों में एक डर अब हाँ क्योंकि भारत का जो परिवेश है क्योंकि यहाँ पर आप जब देखते हैं लोग ट्रैवल करते हैं सड़कों पर जाते हैं तो अगर घटना हो जाती है तो बहुत लोग घेर लेंगे उनको या फिर वो डर के मारे वहाँ से भागने का प्रयास करते हैं तो हमारे संविधान में सेक्शन वन ए पर जब आप बात करेंगे तो गुड स्मार्ट लॉ का भी प्रावधान है मतलब एक गुड स्मार्ट सिटीज़न का क्या भूमिका होगा क्या भूमिका हो सकती है और कैसे मदद करेंगे तो अगर घटना हो जाती है तो आप भागिए मत पीड़ित व्यक्ति या तो जो घायल हुए हैं या जिनकी मृत्यु नहीं हुई है अब तब में तो उनको आप पहले अस्पताल पहुंचाइए क्योंकि हमारे कानून में भी ऐसा प्रावधान है अगर आप गुड एज ए गुड स्मार्टी इन लो किसी की मदद करते हैं तो ना तो आप पे ट्रायल होगा ना तो आपको ज़्यादा पूछताछ की जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें दी जी गई बिल्कुल ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया क्योंकि देखिए अगर कभी सड़क दुर्घटना हो जाती है तो लोग वहां पर मदद करने से बचते हैं कि क्या पता मुझे किसी पुलिस केस में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है तो इस पर आप थोड़ा हमें बताएं कि क्या ऐसा तो कुछ नहीं होता है जैसा कि आपने अभी बताया बिल्कुल अगर मेरी गाड़ी से घटना हुई है कोई थर्ड पर्सन भी अगर कोई थर्ड पर्सन भी वहाँ पर मौजूद है कोई तीसरा व्यक्ति वहाँ पर मौजूद है और उसके आंखों के सामने घटना हो जाती है तो वो जो उसको भी एज ए सिटीज़न मदद करना चाहिए एज ए गुड स्मार्टी इन लॉ ना तो पुलिस उससे ज़्यादा पूछताछ करेगी ना तो उनको पार्टी बनाएगी ना ही उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल आगे प्रोसीड होगा तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती को जानकारी नहीं है, है जनरली तो होता, होता, होता है क्योंकि एट्टी लोगों को इस कानून के बारे में पता ही नहीं है कि ऐसी ऐसी चीजें भी हमारे कानून में प्रावधान की गई है पुलिस के द्वारा परेशान भी किया जाता है लेकिन परेशान तभी किया जाता है जब उनको कानून का अभाव होता है उनके खिलाफ उनके उनका जो है कानून से संबंधित कोई जानकारी नहीं होती है अगर तो अगर वो बहुत अवेयर नहीं, नहीं है, है तो परेशान कोई भी करेगा अगर हमारे पास संक्षिप्त जानकारियां हैं चीजों के बारे में तो कोई भी आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा खास करके अभी के समय में हिट एंड रन केसेस में वृद्धि हो रही है आप जब देखेंगे आंकड़ों पर बात करूंगा तो आंकड़े जो फैक्ट्स हैं वो फिगर यही कोट करते हैं कि दिन प्रतिदिन प्रत्येक साल हिट एंड रन के मामलों में वृद्धि हो रही है जो कि चिंताजनक है इस मामले में सुधार होने की आवश्यकता है लोगों में एक सचेत पैदा होने की भी जरूरत है ये हमारी और आपकी जवाबदेही है साथ में जो लोग हैं उनकी भी जवाबदेही है कि इस चीजों में एक एक जनरल अवेयरनेस और एक अपने जिसको कहते हैं ना अकाउंटेबिलिटी लेना तो उन चीजों की अकाउंटेबिलिटी लेने की जरूरत है क्योंकि भारत में डेथ जब देखेंगे ना फैटल केसेस जो हैं वो बहुत हो रहे हैं अगर मान के चलिए कि प्रतिदिन 1200 घटनाएं हो रही है उसमें से 500 मौतें हो रही है मतलब ऑलमोस्ट कंपेयर uh, देखा जाए तो 50 परसेंट के अप्रोक्सीमेटली जो हैं वो फैटल केसेस आ रहे हैं हमारे देश में जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है जब हम इस पर गौर करेंगे तो ये एक चिंता चिंता वाली विषय तो है ही क्योंकि फैटल केसेस में इंक्रीज़ इंक्रीमेंट uh, हो रहा है और जो डेथ केसेस हैं वो बढ़ रहा है तो इसके लिए हम और आप भी जिम्मेदार हैं तो रोड पर चलते हुए राहगीरों से मेरी भी यही अपील है कि कुछ ऐसे केसेस आपके आंखों के सामने दिखें तो आप जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल पहुंचाइए क्योंकि मेडिकल का भी डेटा है कि अगर गोल्डन आर में जो इंजर्ड लोग हैं वो अस्पताल पहुंच जाएंगे तो मुझे लगता है कि 20 टू 30 परसेंट फैटल केसेस में गिरावट दर्ज और की जान जाएगी। भी बचेंगी बिल्कुल जान भी बचेगी और आजकल देखा जा रहा है कि हर छोटी चीज़ का वीडियो क्लिप बनाया जा रहा है तो बहुत ही एक जनरल क्वेश्चन है कि, कि किसी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो पब्लिक आम तौर पर क्या करती है फ़ोन उठाया और वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो इस पर क्या कहना है आपको कि देखिए कितना संवेदनशील मामला है किसी की जान पर बन आई है और लोग यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे देखिए ऐसी परिस्थिति में जब स्थिति नाजुक हो और इस तरीके का सिचुएशन अराइज़ हो जाए तो लोगों को ये वीडियो बनाना या रील्स बनाना इन सब से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि हमारा धर्म यही है एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए इंसान अगर देखा जाए तो दूसरों की मदद करना और ख़ास करके उस परिस्थिति में जब कोई सामने वाला ज़िंदगी और मौत के बीच अपनी आहें भर रहा है तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस परिस्थिति में हम कम से कम नहीं कुछ भी तो उनकी जान बचाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं हम उन्हें अस्पताल तो पहुंचा ही सकते हैं अस्पताल पहुंचाने में कोई गुनाह तो नहीं है ना ही हमारा कोई पैसा खर्च हो जाएगा ना ही कुछ जेब से लग जाएगा बस आपको उनको मदद देना है क्योंकि वो खुद उठ नहीं सकते हैं वो खुद खड़े नहीं हो सकते हैं तो इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि सभी को कोई भी व्यक्ति हो वो चाहे रोड पे चलता हुआ गाड़ी से चल रहा व्यक्ति हो पैदल चल रहा हो या आसपास के लोग हों सोसाइटी के लोग हों अगर उनके सामने ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो उनको फ़ौरन तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए क्योंकि अगर आप देखेंगे गोल्डन आर एक है कि एक सीमित समय में अगर कोई व्यक्ति इंजर्ड व्यक्ति अस्पताल पहुंच जाता है तो उसकी जान बच सकती है 90 परसेंट जान बच सकती है अब बहुत ऐसे एक्सट्रीम केसेस में ना बचे लेकिन एक हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं जिससे गिरावट तो दर्ज होगी ही होगी साथ में हमें भी अंदर से आत्मसंतुष्टि का भाव पैदा होगा कि चलो हमारी वजह से आज किसी की जान बच गई तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है लोगों में थोड़ा सा एक कहें तो अंदर से संवेदनशीलता की कमी देखी जा सकती है खासकर के आज के दौर में जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आ चुका है और लोग टीवी, फोन और इसी में लिप्त रहते हैं तो इन सब चीज़ों में इन सब चीज़ों के परे हमारा कर्तव्य और हमारा फर्ज यही है कि दूसरों की जान कम से कम हम बचाने में मदद करें जी बिल्कुल भारत एक समृद्ध संस्कृति वाला देश है वसुधैव कुटुम्बकम यहाँ का कॉन्सेप्ट है और आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से हमें सेंसिटिव होकर उस वक्त वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है और बल्कि उस वक्त मदद करने की ज़रूरत है हमारी भी मदद भी से किसी की जान बच सकती है और अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पेशल मुआवजा या कोई स्पेशल प्रोविज़न कुछ ऐसा कुछ है क्या रैदर दैन दार्ट ऑफ इंश्योरेंस या थर्ड पार्टी क्लेम क्या गवर्नमेंट का कुछ है क्या ऐसा बिल्कुल जब हम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे की बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें उन्हीं के अंतर्गत आती है तो भारत सरकार के द्वारा भी और डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स हैं हमारे तो उनके राज्य सरकार के द्वारा भी मुआवजों का प्रावधान है अब जैसे हिट एंड रन केसेस की आपने बात करी अब कोई व्यक्ति को गाड़ी एक मार करके आगे निकल गया तो डैट विल बी रजिस्टर्ड अंडर हिट एंड रन केसेस तो उसकी ना तो पहचान हो पाती है कि किस गाड़ी से दुर्घटना हुई है तो वैसे केसेस में सरकारी मुआवजों का भी प्रावधान है डेथ केसेस में दो लाख तक सरकार देती है और जो ग्रीवियस इंजरी के केसेस हैं उस केसेस में पचास हज़ार तक के मुआवजे सरकार देती है जो भी पीड़ित परिवार है उसके लिए आपको जो भी जहां पे भी घटना हुई है उस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आपको जाकर के वहां पे क्लेम ऑफिसर होते हैं वहां पर आपको केसेस फाइल रिपोर्ट करने होते हैं कि बस ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई है फिर वो पैसा आपको डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है एक दो महीने तीन महीने भी कभी कभी लग जाते हैं लेकिन वो पैसा आप तक पहुंच जाता है तो सरकारी मुआवजों का भी प्रावधान आप बिहार की ही बात कर ले तो बिहार विक्टिम कंपनसेशन स्कीम था 2011 का उसमें भी ये चीजें हैं तो उसमें उसमें खास करके रोड एक्सीडेंट के साथ साथ एसिड अटैक सर्वाइवर थे उनके लिए भी ये प्रावधान किया गया था तो सरकारों सरकारों की भी यही मंशा होती है और ख़ास करके जब आप ग्रॉस जीडीपी की बात करेंगे तो जीडीपी डी आश्चर्य होगा कि तीन से पांच प्रतिशत जीडीपी भारत का इसी रोड एक्सीडेंट केसेस में खर्च होता है या रोड से संबंधित घटनाओं में खर्च होता है तो कितना समझिए पांच परसेंट अगर जीडीपी का अगर हम इसमें खर्च कर रहे हैं तो अगर इन सब चीज़ों में सुधार होगा इन सब चीज़ों में बचत होगी अब रोड एक्सीडेंट के केसेस कम होंगे तो हमारा ये जी डी पी यहां नहीं लग के देश के विकास में खर्च होगा तो इन सब चीजों में भी हमें सोचने की जरूरत है तो सरकारी योजना तो है ही आप सरकारी योजना का भी लाभ उठा सकते हैं तो हिट एंड रन केसेस में खास करके क्योंकि हिट एंड रन केसेस में ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गाड़ी आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है तो क्लेम कहां से मिलेगा तो उस उस परिस्थिति में क्या पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिलेगा बिल्कुल ऐसा नहीं है सरकारी मुआवजा मिलेगा और भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी वो मुआवजे का प्रावधान करती है और पीड़ितों को मुआवजा पहुंचाती है जी और चूंकि आप बाई प्रोफेशन लॉयर हैं तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि यह जो रोड एक्सीडेंट्स हैं तो यह सिविल लाइबिलिटी के अंदर में आता है या फिर यह क्रिमिनल लाइबिलिटी है देखिए जब लाइबिलिटी की बात होती है तो यहाँ पर रोड एक्सीडेंट के केसेस में अगर मैं ड्राइवर हूँ मैं गाड़ी चला मैं गाड़ी चालक हूँ और मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे से दुर्घटना हो जाती है तो अनजाने में ही दुर्घटना होती है तो हमारे ऊपर सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी दोनों चलेंगी सिविल लाइबिलिटी एज इन द सेंस ये होता है कि आपको सामने वाले पीड़ित परिवार को मुआवजे का प्रावधान है जो कि एम मोटर एक्सीडेंट केसेस ट्राइब्यूनल के थ्रू आपको मिलेगा क्रिमिनल लाइबिलिटी हमारे ऊपर चलेगी जो ड्राइवर हैं जब आई अब तो बी हो गया है भारतीय न्याय संहिता इससे पहले आई था तो आई में रैस एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग का भी प्रावधान है टू सेक्शन अब वो बदल करके दो हो गया है जब भारतीय न्याय संहिता की बात करेंगे तो कोई भी लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए घटना घटित कर देता है तो हमारे ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल कोर्ट में अलग से चलेगा तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है लेकिन वही है कि ऑफेंडिंग एक बार से कोई दिक्कत नहीं है बेल मिल जाती है लेकिन हमें यह ट्राई करना चाहिए कि सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं जिससे इस तरह की घटनाएं ना हो अगर घटनाएं हो भी जाती हैं तो हमारे ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी और सिविल लाइबिलिटी ये चार्जेस दोनों टू सेवन अब डेथ केसेस हैं तो पहले क्या था कि इंडियन पिनल कोड में 304 ए डेथ बाय नेग्लिजेंस का प्रावधान था हमारे ऊपर सेक्शन 304 सौ ए इम्पोज किया जाता था अब बीएनएस में वो 106 सौ छ क्लॉज वन हो गया है तो इसी तरीके से हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के भी सेक्शन पहले हमारे आई में तीन और तीन था जो कि अब एक ए और एक बी हो गया है तो कुल मिलाकर यह देखा जाए कि हमारे ऊपर सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी दोनों होती है सिविल लाइबिलिटी सोसाइटी की भी लाइबिलिटी हो जाती है किसी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है सड़क दुर्घटना में या कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो सिविल लाइबिलिटी तो हुआ ही साथ ही हमारे ऊपर चालक के ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी चार्जेस चलेगा अच्छा और ये जो हेलमेट है देखिए कि कितना इम्पॉर्टेंट है हेलमेट हमारी लाइफ के लिए लाइफ सेफ्टी के लिए और इतना इम्पॉर्टेंट है हम सभी यह चीज़ जानते हैं बट फिर भी पब्लिक इसे फॉलो क्यों नहीं करती है देखिए खास करके हेलमेट मतलब मैंने भी देखा है सड़कों पर लोग डर से हेलमेट पहनते हैं कि मुझे पुलिस पकड़ ना ले या मेरा चलान कट जाए चलान ना कट जाए हजार का चलान ना पे करना पड़े लेकिन हेलमेट वही हेलमेट आपकी जिंदगी भी बचा सकता है जब ऐसे गंभीर सिचुएशन उत्पन्न हो जाते हैं जहाँ पर आपकी जो आप जो बाइक पे जा रहे हैं और सामने कार ट्रक इससे टक्कर हो जाते तो मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ हेलमेट नहीं पहनने की वजह से जान चली गई अगर उस व्यक्ति ने हेलमेट पहनी होती तो उसकी जान बच जाती तो कितना बड़ा फ़र्क है समझिए आपने एक छोटा सा हेलमेट नहीं लगाया है और लगाया है उसके बीच की अंतर को उसके बीच की खाई को आप इस तरीके से माप सकते हैं कि जान और जिंदगी और मौत के बीच जो ये हेलमेट है ये फंसा हुआ रहता है अब इसके खिलाफ भी अब जब हम मोटर व्हीकल एक्ट में देखेंगे तो सेक्शन वन वहां पर विदाउट हेलमेट का भी प्रावधान है तो लोग नहीं पहनते हैं। लोगों को पहनना चाहिए क्योंकि हेलमेट से आपकी जिंदगी बच जाती है बहुत ऐसे गंभीर मामलों में मतलब ट्रक और बाइक की टक्कर में अगर हेलमेट पहना हुआ है तो मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि उनकी जान बच गई है और नॉर्मल स्किट कर जाते हैं बाइक से गड्ढे में पिटहोल में बाइक का आगे वाला चक्का फंस जाता है तो छोटे छोटे मतलब बहुत बड़ी घटना नहीं होती है छोटे छोटे घटनाओं में भी जान चली जाती है क्यों क्योंकि उन्होंने क्यों हेलमेट नहीं पहना रहता है और हेलमेट नहीं पहनने की वजह से हेड इंजरीज जो होती है सबसे खतरनाक मानी जाती है अगर थोड़ा सा भी चोट आपके हेड में लगा तो फिर जान बचना बिल्कुल भी संभव नहीं है अच्छा और पूरे बिहार में किस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था है कैसा है ट्रैक ट्रैफिक व्यवस्था पर जब बात करेंगे तो मतलब ओवरऑल अगर हम भारत की बात करेंगे तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बहुत अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था है जैसे मैं चंडीगढ़ की बात करूंगा चंडीगढ़ के ट्रैफिक रूल्स इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रैफिक रूल्स इन ऑल ओवर इंडिया मतलब 40, 45 से ज़्यादा की स्पीड नहीं होती वहाँ पे आप सब सिटी में चलेंगे 60 की लिमिट होती है कार की 40 की बाइक की और वो फॉलो होता है अब जैसे बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर लगी हुई है ट्रैफिक व्यवस्था ट्रैफिक सिग्नल लेकिन लोग फॉलो नहीं करते हैं एक तो लोगों में अवेयरनेस का अवेयरनेस की कमी है दूसरी चीज़ जब देखेंगे तो इतनी ज़्यादा सड़कों पर गाड़ियाँ आ चुकी हैं चाहे वो टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो लोगों में सेंस नहीं है ट्रैफिक सेंस उसका बहुत अभाव है जब हम देखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस की भी जब बात आती है तो अब तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने का जो नियम है काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं आपको वहाँ पर दिखाना होगा कैसे चलता है क्या चलता है तो बिहार की ट्रैफिक व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है जब आप आज से पंद्रह साल दस साल पहले देखेंगे और अभी की ट्रैफिक व्यवस्था तो काफ़ी सुधार हुआ है रोड्स भी अच्छे हुए हैं नतीजतन ट्रैफिक व्यवस्था भी अच्छी हुई है थोड़ी कम हुई हैं लेकिन जब आप हाईवे पे जाएंगे इस तरीके पे क्या होता है कि ट्रक हो गया फिर एक लेन में ट्रक भी चल रहा है बाइक भी चल रहा है जबकि नियम अलग अलग हैं कि आपको अपने लेन में चलना है बाइक को अपने लेन में चलना है लेकिन लोगों में जागरूकता का अभाव उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो या तो इंजर्ड हो जाते हैं या उनकी मौतें हो जाती हैं तो इन सब चीज़ों में भी समझने की जरूरत है हमें अच्छा और इवन फॉरेन में मैंने यह भी सुना है कि लोग एक चुविंगम खाकर भी अगर रोड पर फेंक देते हैं तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस हो जाता है और तो किस तरीके से फॉरेन का जो ट्रैफिक कल्चर है जो रूल है वो हमारे भारत से डिफरेंट है कुछ तो डिफरेंस तो डेफिनेटली है कैसा है ये तो, तो है इसमें तो मैं ऐसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि डिफरेंस नहीं है बहुत ऐसे कंट्री हैं जब आप देखेंगे ट्रैफिक रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं डेनमार्क की बात कर ले डेनमार्क के ट्रैफिक रूल्स इवन जापान वन ऑफ द बेस्ट ट्रैफिक एंड स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल्स पूरे देश पूरे ग्लोबल हम एरा की जब बात करेंगे तो जापान डेनमार्क स्वीडन ये सारे ऐसे देश हैं जहां पर बहुत स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल्स है और हमारे भारत में भी ट्रैफिक रूल स्ट्रिक्ट हुए हैं पहले से बेहतर हुए हैं लोगों लोगों में जागरूकता का भी भाव पैदा हुआ है आप चालान की बात कर ले चालान ज़्यादा होना वो सबके पीछे का यही रीज़न है कि लोगों में कम से कम ये चीज़ हो कि हाँ अगर मैं इसको ब्रीच करूंगा ट्रैफिक रूल्स को ब्रीच करूंगा तो सिर्फ़ हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे हमें जान से भी हाथ धोना पड़ेगा तो बाहर डेनमार्क हो गया स्वीडन हो गया इवन आप कह ले जापान हो गया ये सारे देशों में बहुत स्ट्रिक्ट है 35-40 से ज़्यादा आप स्पीड नहीं कर सकते हैं शहर के क्षेत्रों में तो बिल्कुल। स्पीड और जो है, ओवर, ओवर है तो जागरूकता अभिनव जी चूंकि वक्त की सीमा है हम आ चुके हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों के लिए तो संदेश साफ है कि सड़क दुर्घटना से बचने के लिए सबसे पहला नियम है कि आप सारे नियमों का पालन करें ओवर स्पीडिंग ना करें हेलमेट जरूर पहने अगर आप टू व्हीलर से यात्रा कर रहे हैं तो हेलमेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी जान को बचा सकता है आगे वाले भी पहने और पीछे वाले भी पहने साथ ही ओवर स्पीडिंग से बचें क्योंकि स्पीड सबसे बड़ा खतरा है आज के समय में एक जान के लिए अगर आप 30-40 के स्पीड में रहेंगे 50 के स्पीड में रहेंगे या मैक्सिमम कार है तो 60 से पैंसठ अगर इस स्पीड में घटना होती भी है तो आपकी जान बच सकती है लेकिन आप 100 से ऊपर जा रहे हैं 120 से ऊपर जा रहे हैं अब थोड़ी सी भी टक्कर होती है तो गाड़ियों का गाड़ियों की स्थिति तो आपने देखी ही है तो सभी को दर्शकों को यही सलाह है कि सड़क दुर्घटना से बचिए क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है ज़िंदगी की कीमत आपको एक ही ज़िंदगी मिली है और वो भी एक सीमित समय है तो इस सीमित समय को आप एक छोटी सी भूल में गवा दें तो ये समस्या आपकी बेवकूफी भी है नादानी भी है जी बिल्कुल सर आप हमारे कार्यक्रम में आए अपना कीमती वक्त दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पिता जी और साथ में मैं दूरदर्शन का भी आभारी हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय को सभी के समक्ष लाने की कोशिश की जी धन्यवाद तो दर्शकों इस तरीके से हमने अभिनव नारायण से जाना और समझा कि ट्रैफिक नियम क्या है ट्रैफिक नियम के बारे में कितने अवेयर है लोग हमने बातचीत की कि जितने सारे भी एक्ट्स हैं किस तरह के एक्ट हैं किस तरह के अधिनियम हैं और किसी तरह की अगर दुर्घटना हो जाती है तो किस तरीके से हम मुआवजा क्लेम कर सकते हैं हमने बातचीत किया कि हेलमेट कितना आवश्यक है उम्मीद है कि ये सारी परिचर्चा आपके लिए लाभदायक रही होगी तो इसी के साथ आप सबों से मैं आपकी एंकर अर्पिता स्नेह विदा लेती हूँ इस वादे के साथ की फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें डी बिहार नमस्कार